वेलकम स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास में क्लास 5 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीमियर क्लास लेक्चर 2 में अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक में चैप्टर 1 पढ़ा था। इस चैप्टर में आपने बसंती हवा कविता के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में आपने बसंती हवा कविता के बारे में पढ़ा। इस कविता के माध्यम से आपको बसंत ऋतु के बारे में बताया गया तथा ये भी बताया गया कि किस प्रकार हवा भी इस आनंददायक ऋतु का आनंद लेती है। आज मैं आप सबको इसी पाठ का प्रश्नोत्तर कराऊंगी। आप अपनी नोटबुक निकालें और इन प्रश्नों का उत्तर लिखें। वैसे तो बच्चों, आपके बुक में इस प्रश्न का उत्तर ओरल यानी मौखिक देना है, परंतु मैं आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर रिटेन यानी लिखित रूप में लिखा रही हूं, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़े, समझे और याद करें। अब आप प्रश्न लिखेंगे, मैं बोल रही हूं। प्रश्न वन में का क है, आप लिखेंगे। प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए, प्रश्न क है। कविता में मैं कौन है वह कैसी है। ओके, कविता में मैं कौन है वह कैसी है। इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे, कविता में मैं बसंती हवा है, वह मस्त मौला है। ठीक है, अब आपका प्रश्न ख है। हवा कहाँ कहाँ घूमती है। ठीक है, हवा कहाँ कहाँ घूमती है। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, हवा का मन जिधर घूमने का करता है, हवा उधर घूमती है। ठीक, हवा का मन जिधर घूमने का करता है, हवा उधर घूमती है। अब है प्रश्न ग, वह अनेकों पहर कहाँ रही। वह का मतलब इस प्रश्न में बच्चों आप समझेंगे, हवा के बारे में कह रहा है। वह अनेकों पहर कहाँ रही। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, वह अनेकों पहर तक गेहूं के खेतों में रही। प्रश्न घ है, बसंती हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया झुलाया। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, बसंती हवा ने सरसों को इसलिए नहीं हिलाया झुलाया क्योंकि अलसी से हारने के बाद वह निराश हो गई थी। ठीक, अब प्रश्न अंग है, कविता के कवि का नाम बताइए। कविता के कवि का नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, कविता के कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। कविता के कवि का नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है, कविता के कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। बच्चों, इस प्रश्न को मैं और उत्तर को फिर पुनः मैं दोहराती हूँ, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपका 5 क्वेश्चन है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बुक में मौखिक देना है यानी ओरल, लेकिन मैं आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर रिटेन यानी लिखित लिखा रही हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और याद करें। अब आप क्वेश्चन देखिए, मैं इसको फिर दोबारा आप लोगों को रिपीट करती हूँ, आप लोगों को दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ। कविता में मैं कौन है वह कैसी है। आप इसको नोट करेंगे, मिलाएंगे। कविता में मैं बसंती हवा है, वह मस्त मौला है। प्रश्न ख है, हवा कहाँ कहाँ घूमती है। हवा कहाँ कहाँ घूमती है। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों देखेंगे आप, हवा का मन जिधर घूमने का करता है, हवा उधर घूमती है। ठीक, अब प्रश्न ग है, वह अनेकों पहर कहाँ रही। यहाँ पर इस प्रश्न में वह का वह जो है, यहाँ वह हवा के लिए संबोधित किया गया है। यहाँ पर आपका हवा का ये सर्वनाम है, उसके बदले में आपको वह हवा के बदले प्रयोग किया गया है। वह अनेकों पहर कहाँ रही। इस प्रश्न का उत्तर है, वह अनेकों पहर तक गेहूं के खेतों में रही। अब बच्चों प्रश्न संख्या घ है,
बसंती हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया झुलाया? इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे, बसंती हवा ने सरसों को इसलिए नहीं हिलाया झुलाया क्योंकि अलसी से हारने के बाद वह निराश हो गई थी। प्रश्न अंग है, कविता के कवि का नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है, कविता के कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। बच्चों, आज आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को आप याद करेंगे और इसी पाठ का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो लिखित है। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखित में लिखना है, तो मैं कल आपको इसी प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को कल लिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।